You're a superhero. कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जिस प्रकार के न्यू एटीट्यूड स्टेटस वीडियो को कैसे बना सकते हो। सो गाइस, ऐसा ये जो डायलॉग है अभी इंस्टाग्राम रील्स पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, आपको पता ही होगा। सो अगर आपको भी ऐसा स्टेटस वीडियो को बनाना है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है सो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस, चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी काइनमास्टर ऐप की। अगर आपको काइनमास्टर ऐप डाउनलोड करना है तो सिंपली आप मेरे मटेरियल्स वाले लिंक पे क्लिक करके जाके डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, सो गाइस, अब बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। सो गाइस, सबसे पहले आपको काइनमास्टर में आना है, देन आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, नीचे आना है इम्पोर्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। और हाँ गाइस, अगर आपको प्रोजेक्ट डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपको बता दूँ, आप ब्राउजर से करना, डायरेक्ट मतलब कोई भी ड्राइव से जाके डाउनलोड मत करना। ओके, जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आप देखना कि वो आपको ड्राइव में डायरेक्ट कर रहा है या ब्राउजर में है। अगर वो ड्राइव में डायरेक्ट कर रहा है तो वहाँ से आपको नहीं करना है, आपको लिंक कॉपी करके दूसरे ब्राउजर में जाना है, वहाँ पे पेस्ट करना है और वहाँ से डाउनलोड करना है। ओके, सो इस प्रकार से आप इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे आप इंपोर्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप जो आप देखना, यहाँ पे आपका डाउनलोड फाइल रहता है बना हुआ, तो आपको सिंपली उस वाले डाउनलोड फाइल पे क्लिक करना है एंड वहाँ पे आपको जो मिल जाएगा। ओके, लेकिन मेरा यहाँ पे जो है एक फाइल में बनाया है तो मैं इस फाइल से यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो सिंपली आपको पहले ये वाला जो है सर्टिफाइड प्रोजेक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना। ओके, सो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ पे चेक कर लेना। ओके, सो गाइस, मैं यहाँ पे इस वाले जो प्रोजेक्ट को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। ओके, जैसे आप इस वाले सर्टिफाइड को प्रोजेक्ट मतलब इंपोर्ट करोगे तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, आप लोग देख सकते हो। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको अपनी इमेज के साथ इन दोनों इमेज को रिप्लेस करना है। ओके, सो गाइस, मैं आपको बता दूँ, आप जो इमेज एड करोगे उसका साइज 1:1 का होना चाहिए। अब मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ आपको 1:1 का साइज आप कैसे बनाओगे। ओके, सो गाइस, 1:1 साइज बनाने के लिए आपको काइनमास्टर में बैक आ जाना है एंड आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे 1:1 का साइज आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो भी फोटो को आप उस साइज में बनाना चाहते हो उस फोटो को आपको यहाँ पे एड करना है। ओके, तो मैं सिंपल प्रोसेस में आपको सही से बता देता हूँ, आप समझ जाना, बाकी यहाँ पे आप लोग दे सकते हो, इस प्रकार से आपको बना लेना है। ओके, जैसे कि मेरा ये फोटो है, मेरे को इसको बनाना है। सो गाइस, आपको इस प्रकार से एड कर लेना है, इसको सही से आप क्रॉप कर सकते हो इस प्रकार से इक्वल करके। एंड क्रॉप करने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको एक कैप्चर का आइकन बना दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है एंड कैप्चर एंड सेव कर लेना है। जैसे आप सेव कर लोगे आपको बैक आ जाना है, बैक आने के बाद उसी प्रोजेक्ट में आ जाना है जिसको हमने अभी इंपोर्ट किया, जो कि सर्टिफाइड प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे हम आएंगे, अपनी इमेज पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर क्लिक करेंगे मीडिया पर एंड यहाँ पे जो फोटो हमने कैप्चर किया था वो कैप्चर फाइल में यहाँ पे आ जाएगा, या तो ये सबसे ऊपर में शो होगा या तो सबसे नीचे में शो होगा, अपने हिसाब से आप देख लेना। सो गाइस, फिर आपको उस फोटो को यहाँ पे एड करना है एंड ऊपर वाले इमेज पे क्लिक करना है एंड फिर आपको वही आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे उसी फोटो को एड कर लेना है। सो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो आपका जो एक सर्टिफाइड बन के तैयार हो जाएगा। ओके, सो गाइस, आपको इसी प्रकार से 3 इमेज का बनाना है। ओके, तो मेरा ये एक इमेज का बना है, तो आपको सिंपली शेयर आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस, मैं एक इमेज को बना के दिखा दिया हूँ, लेकिन आप 3 इमेज के साथ बनाना है ऐसे, मतलब 3 इमेज को आप रिप्लेस करना है। जैसे मेरा ये अभी एक इमेज का सर्टिफाइड बना है तो आपको 3 इमेज के साथ बनाना है, जैसे आपने प्रीव्यू में देखा है। और गाइस, आप हर एक इमेज में ये जरूर से करना, ये जो आपको ये रेड रेड दिखाई दे रहा है इसको सेलेक्ट करना है, इसका एडजस्टमेंट में जाके आपको इसका जो HUE वाला ऑप्शन है इसको चेंज कर देना है। इससे ये होगा इसका जो फ्लैश इफेक्ट है उसका कलर चेंज होगा। ओके, और आप चाहते हो कलर चेंज करना तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी करोगे फिर भी चलेगा। ओके, इस प्रकार से आप कर सकते हो। सो गाइस, अब इतना आप कर लेना, उसके बाद जैसे आप 3 इमेज को बना लोगे आपको काइनमास्टर बैक आ जाना है एंड आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे फिर से इंपोर्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। एंड गाइस, ये जो बीटमार वाला प्रोजेक्ट है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सिंपली आप इसको डाउनलोड करके यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना। ओके, सो गाइस, मैं यहाँ पे इस लिंक को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो जैसे आप इंपोर्ट करोगे इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, आप लोग देख सकते हो। सो गाइस, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, शुरू वाले आइकन मतलब जो है ये ब्लैक बैकग्राउंड है इसको सेलेक्ट करना है एंड आपको यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको इस लिरिक्स वीडियो को एडिट करना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। ओके, सो गाइस, मैं इस लिरिक्स वीडियो को यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ। तो सिंपली आपको इस लिरिक्स वीडियो को एडिट करना है एंड इसको एड करने के बाद फिर आपको आगे जाना है एंड यहाँ पे आपको अपनी इमेज को एड करना है। ओके, सो गाइस, उसके लिए आपको
वही बैकग्राउंड पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे अपनी इमेज को ऐड करना है। गाइस मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपको इमेज ऐड करना है सेकंड फेड नहीं, ओके। सो गाइस यहाँ पे आपको इस इमेज को ऐड करना है सेकंड फेड को नहीं, ये बात आप ध्यान रखना। जैसे मेरे को ये इमेज को ऐड करना है तो मैं सिंपली इस इमेज को ऐड कर लेता हूँ। तो इसी प्रकार से आपको अगला इमेज है इसमें भी आपको वही ऐड कर लेना, ओके। अपनी इमेज को यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं इस प्रकार से। एंड गाइस यहाँ पे जो तीन इमेज है शुरू का, इसमें आपको यहाँ पे अपनी इमेज को रिप्लेस करना है, ओके। ओके गाइस यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया, आप लोग दे सकते हो। आगे जो बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको सेकंड फेड को रिप्लेस करना है, वही सेकंड फेड जिसको मैंने बनाना सिखाया था आपको। तो उसको आप सेव कर लोगे, तो सिंपली सेव जैसे आप कर लोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको एक फाइल में मतलब आपका जो फोन है उसमें एक फोल्डर बन जाएगा एक्सपोर्ट करके। ये तो आपको सबसे ऊपर में शो होगा या तो ये सबसे नीचे में शो होगा, आप देख लेना एक्सपोर्ट करके होगा। तो सिंपली आपको उस फाइल में जाना है एंड जो वीडियो को भी आपने एक्सपोर्ट किया था जो सेकंड फेड बना के, तो सिंपली यहाँ पे उस सेकंड फेड वीडियो को यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। मैंने आपको बोला था तीन बनाना आप, क्योंकि यहाँ पे तीन लगने वाला है, तो आपको सिंपली यहाँ पे ऐड कर लेना, ओके। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देखते हो मैंने इसको ऐड कर लिया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो अगर ये ऐड नहीं होता इधर अगर छोटा पड़ जाता आपका सेकंड फेड इसके हिसाब से, तो आप क्या करना पहले जो ये बैकग्राउंड को इमेज को लेंथ घटा देना, ओके। गाइस मेरा कहने का मतलब है कि आप इसको 16 से इधर उधर घटा सकते हो अगर ऐड नहीं होता है तब, ओके। सो गाइस फिर आपको उसी पे क्लिक करना है एंड मीडिया पे क्लिक करना है, वही ला मीडिया पे क्लिक करना है जो रिप्लेक्स का आइकन होता है, एक्चुअल में वो रिप्लेक्स है मीडिया नहीं, ओके। ये बात आप ध्यान रखना। सो गाइस आपको यहाँ पे फिर से दूसरा सेकंड फेड को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे तीन लगेगा तो तीन ही लगेगा, तो आपको तीन बना लेना है, ओके। गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसी प्रकार से शो हो रहा है यहाँ पे, इस पर मैं अगर टैप भी करूँगा तो ये ऐड नहीं होगा, ओके। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसको जो आप इसका जो बैकग्राउंड है इसका लेंथ पहले आप घटा देना, ओके। सो गाइस फिर से आपको इस प्रकार से रिफ्लेक्स पे आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको अपनी वीडियो को एडिट करना है। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अब ये एड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको एड कर लेता हूँ। अब गाइस इसका लेंथ आपको बढ़ाना है, जितना भी बढ़ता है उतना बढ़ा लेना है। उसके बाद इसका स्पीड में जाकर थोड़ा सा स्पीड को घटाना है और बीट मार्क के हिसाब से इसका लेंथ लेके आ जाना है, ओके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से आपको कर लेना है। अब इतना करने बाद फिर आपको नेक्स्ट पे मतलब आगे जाना है एंड आगे जाने बाद फिर से आपको मीडिया पे क्लिक करना है, मतलब इसको सिलेक्ट करके मीडिया पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो अपना लास्ट वाला सेगमेंट रहेगा इसको यहाँ पे एड कर लेना है। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देखते हैं मैंने इसको ऐड कर लिया है। तो गाइस सिंपली इस प्रकार से आपको ऐड कर लेना है। अब ऐड करने के बाद आपको देखो करना क्या है, आपको यहाँ पे आना है शुरू के जो तीन इमेज है इन तीनों इमेज में कॉल में डी एस वन नंबर वाला क्लिप का आप इसको ऐड कर लेना है। जैसे यहाँ पे आप नीचे में देख सकते हैं लिखा हुआ है CMD मतलब कॉल मी डी जैसे वन नंबर ला, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, तो आपको सिंपली यहाँ पे ऐड कर लेना है इन तीनों इमेज में। फिर आपको वहीं पे आना है जहाँ पे नहीं, आपको पूरा शुरू में आ जाना है एंड आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इस वाला टेम्पलेट वीडियो को ऐड कर लेना है। सो गाइस मैं इस टेम्पलेट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके ऐड कर लेना। देन इसका साइज इस प्रकार से बढ़ा के इसको थोड़ा नीचे साइड कर देना है एंड इसका जो एडजस्टमेंट हो जाके थोड़ी सो गाइस पहले ब्लेंडिंग में जाके स्क्रीन कर देना है ब्लेंडिंग में जाके एंड इसका कोई ऑडियो होगा उसको म्यूट कर देना है। इतना कर लेने बाद आपकी जो वीडियो बन के तैयार हो जाएगी। सो गाइस इस वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना। सो गाइस मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, मैं फिर से बता देता हूँ। अब यहाँ पे सेकंड फेड बनाओगे उसमें जो आप इमेज को एड करोगे जो आपका ऊपर वाला इमेज रहेगा ये वाला इमेज, इसको जो आप क्रॉपिंग में जाके इसको इनेबल कर देना, ये मार्क्स को इनेबल करने बाद जो फेदर है इसको बढ़ा के आपको मेरे हिसाब से 25 के आसपास रख लेना है, ओके। इतना आप जरूर से कर लेना। सो गाइस बस आज के लिए इतना है, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।